सो गाइस, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, बट आप कंफ्यूज हो कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल ले, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैसा, कितना पैसा खर्च करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है 50,000 से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक। तो आपको आपका पैसा अगर अच्छे से यूज करना है, तो यहाँ पे अभी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो 1 लाख रुपए से कम में मिल जाते हैं। तो गाइस, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपको पूरा डिटेल कंपैरिजन देगा ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आप खरीद सकते हो, जो आपके बजट में है, तो उसका बैटरी कैपेसिटी, मोटर कैपेसिटी, रेंज, टॉप स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, ये सब पैरामीटर्स के ऊपर उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अगले 5 मिनट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस गाइस, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, भाई अगर मैं सोचूं बजाज चेतक हुआ, या मैं सोचूं टीवीएस आईक्यूब, ये है 1 लाख के ऊपर, इनकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है? गाइस, क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं उनके ऑलरेडी पेट्रोल बेस्ड व्हीकल मार्केट में अवेलेबल है। अभी अभी उन्होंने BS6 वर्जन उनका एडॉप्ट किया है, तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आए, इसलिए उनके पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा उन्होंने प्राइस रखा है उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बट ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो 1 लाख से कम रुपए में मिल जाती है, उनका अभी हम कंपेरिजन करेंगे। पहला उसमें पैरामीटर हम देखेंगे गाइस, वो देखेंगे बैटरी। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम कंपेयर करने वाले हैं? हम कंपेयर करने वाले हैं ऑप्टिमा HX ड्यूअल बैटरी, एम्पियर की मैग्नस EX, ई प्लूटो की 7G, प्योर ईवी की, एंड प्रेज प्रो जो है ओकिनावा की। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैटरी कैपेसिटी। जो ऑप्टिमा HX ड्यूअल बैटरी है गाइस, उसमें 3 kWh की बैटरी आती है। हालांकि देखे जाए तो एक बैटरी 1.5 kWh की है, तो 2 बैटरी है, इसलिए वो बन जाता है 3 kWh। मैग्नस EX में 2.3 kWh की सिंगल बैटरी आती है, वो भी डिटैचेबल है। ई प्लूटो 7G में 2.5 kWh की सिंगल बैटरी आती है, और प्रेज प्रो में 2 kWh की बैटरी आती है। तो किलोवाट आवर क्या है, अच्छे से जान लीजिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो किलोवाट आवर मतलब यूनिट होता है, एक यूनिट मतलब 1 kWh, और एक यूनिट के ऊपर से आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको भरना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप देखो तो पर यूनिट कॉस्ट फिक्स होती है, 0 to 100 यूनिट्स के लिए अलग होती है, 101 to 300 के लिए अलग होती है, अलग अलग प्राइस होती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज कंसिडर करूं कि सपोज 8 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट है, तो ऑप्टिमा HX फुल चार्ज करने के लिए आपको 24 रुपए लगेगा, 8 3 24। मैग्नस EX चार्ज करने के लिए करीबन आपको 18 रुपए लगेगा। ई प्लूटो 7G चार्ज करने के लिए करीबन कितना लगेगा, सोचा है आपने, 20 रुपया लगेगा। और ओकिनावा की प्रेज प्रो चार्ज करने के लिए करीबन आपको 16 रुपए लगेगा। तो जितनी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है, उतना आपको चार्जिंग के लिए कॉस्ट ज्यादा लगेगा। बट जब बैटरी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है गाइस, तब उसकी रेंज भी ज्यादा होती है। रेंज के बारे में बोलेंगे, पर उससे पहले दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है मोटर। तो मोटर की बात करें तो मोटर में 2 पावर्स होते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं। एक होता है नॉमिनल पावर, एक होता है पिक पावर। तो हम नॉमिनल पावर पे कंपैरिजन करेंगे। पिक पावर हमेशा नहीं होता। पिक पावर मतलब जब आपको इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए, टॉर्क चाहिए, तब जो मोटर पावर डिलीवर करता है वो होता है पिक पावर। हमें उसके बारे में कंपेयर नहीं करना है, हमें नॉमिनल पावर कंपैरिजन करना है। तो जो ऑप्टिमा HX है, उसका नॉमिनल पावर सिर्फ 550 वाट है। इसलिए आप जब ऑप्टिमा HX चलाते हो, उतना आपको फील नहीं आता, स्पीड नहीं मिलता, टॉर्क नहीं मिलता, थोड़ा सा पावर रेटिंग कम है। जब मैं मैग्नस EX की बात करूं 1200 वाट का, अभी मैग्नस ने ये बहुत बड़ा घपला किया, ये एम्पियर ने, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये 1200 वाट, ये कंटिन्यूस पावर है या पिक पावर है, ये कहां पे भी मेंशन नहीं किया है। तो मैंने यहां पे 1200 वाट्स लिखा है, तो बहुत ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू ऑप्टिमा HX। आगे अगर मैं देखूं ई प्लूटो 7G, तो 1500 वाट का नॉमिनल पावर है। तो मैं आगे आगे जैसे जा रहा हूं, ज्यादा पावर मिल रहा है ई प्लूटो 7G में, ज्यादा पावर मिलता है। और जब मैं प्रेस प्रो की बात करूं तो 1000 वाट का नॉमिनल पावर है। तो यहां पे स्ट्रेट अवे विनर आपको दिखेगा कि ई प्लूटो 7G का सबसे ज्यादा नॉमिनल पावर है, दैट इज 1500 वाट। ये जो मोटर होती है ना, वो आपकी गाड़ी को चलाती है। तो मोटर सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों व्हीकल्स में BLDC हब मोटर आता है, ओला में और एथर में, और आगे सिंपल वन देखोगे तो उसमें मोस्टली बेल्ट ड्रिवन AC मोटर है, उसमें PMSM मोटर है, इसमें BLDC हब मोटर है। गाइज ये सुन लो, अच्छे से सुन लो, डिटेल में बोल रहा हूं। तो बैटरी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी ऑप्टिमा HX की है। मोटर की बात करो तो सबसे ज्यादा मोटर कैपेसिटी ई प्लूटो 7G की है।
अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये फिट है कि भाई मुझे 40 किलोमीटर रोज जाना है, कि मुझे 100 किलोमीटर रोज जाना है, तो उसके ऊपर से आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। गाइस इसके पीछे आप मत भागो कि जितना ज्यादा रेंज उतना भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर। अरे भाई पर तू यूज कर रहा है क्या उतना रेंज, वो देखना। अगर तुझे जरूरत नहीं है 100 किलोमीटर रेंज की तो क्यों खर्चा कर रहा है, राइट? सो यू शुड नो कि आपका रोज का ट्रैवल कितना होने वाला है, उसके ऊपर रेंज का इंपॉर्टेंस आप दो। तो मुझे ओला S1 Pro की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना स्पीड मुझे चाहिए नहीं, उतना रेंज मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्यों उतना खर्चा कर रहा हूं। तो उससे ज्यादा ये जो चार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेरे सामने हैं, 1 लाख के नीचे इसकी प्राइसिंग है, तो इसके रेंज हम जान लेते हैं। ऑप्टिमा HX की रेंज है गाइस 120 किलोमीटर, बहुत ही अच्छी खासी रेंज है सिटी के लिए। मैग्नस EX की भी 121 किलोमीटर, करीबन उतनी ही रेंज है। अभी ये कंपनी की रेंज है तो मुझे ऐसा लगता है करीबन 90-95 किलोमीटर की तो रेंज मिल ही जाएगी। अगर 120 की वो रेंज मिल रहे तो हम 100 किलोमीटर रेंज पकड़ लेते हैं ऑप्टिमा का और मैग्नस का। आगे ePluto 7G का रेंज भी उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी 90-120 किलोमीटर बोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप हाई स्पीड से गाड़ी चलाओगे ना गाइस तो रेंज कम मिलेगा आपको। आप अगर इको मोड में चलाओगे तो रेंज ज्यादा मिलेगा। तो करीबन इको मोड हर एक व्हीकल के लिए अराउंड 35-40 kmph स्पीड से होता है। तो 35-40 ये स्पीड बहुत अच्छा है गाइस सिटी के लिए, आपको भागना नहीं है। तो इस स्पीड से अगर आप चलाओगे तो आपको ये रेंजेस मिलेंगे। तो ePluto 7G का भी रेंज करीबन ऑप्टिमा और मैग्नस इतना ही है। सिर्फ प्रेसपो का रेंज थोड़ा कम है गाइस 88 किलोमीटर का, क्योंकि उसकी बैटरी कैपेसिटी भी सबसे कम है। प्रेस प्रो की बैटरी कैपेसिटी देखिए आप, सिर्फ 2 kWh की है। तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैटरी कैपेसिटी, जितना बैटरी कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेंज मिलेगा, जितना इको मोड में चलाओगे उतना ज्यादा रेंज मिलेगा। तो यहां पे ये तीनों व्हीकल्स ऑप्टिमा मैग्नस एंड ePluto 7G करीबन सेम रेंज है। ओकिनावा की रेंज थोड़ी कम है, उसका दूसरा भी रीजन है, वो भी आपको मैं नीचे बताऊंगा। अभी तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही एफर्ट्स ले रहा हूं गाइस। ओके आगे जाके टॉप स्पीड, अभी सिटी में चला रहे ना, मैं तो सिटी में भी ड्राइव करता हूँ ना गाइज, मैक्स टू मैक्स, मैं पेट्रोल बेस्ड व्हीकल की बात कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 50 का स्पीड हो सकता है। बट जब मैं ईवी चला रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा स्पीड से चलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा 5 मिनट पहले निकलो ना आप, पर टॉप स्पीड लेने के लिए आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ टॉप स्पीड के लिए ओला S1 Pro ले लिया, सिर्फ टॉप स्पीड के लिए दूसरा गाड़ी ले लिया, कुछ जरूरत नहीं है। तो ये 1 लाख के नीचे टॉप स्पीड देखो, ये जो ऑप्टिमा HX है 42 kmph का टॉप स्पीड है, एम्पियर मैग्नस EX 53 kmph का टॉप स्पीड है। दोनों गाड़ी चलाई है मैंने, ePluto 7G अभी तक नासिक में अवेलेबल नहीं है, मैं चला नहीं पाया, बट बाकी ये तीनों गाड़ी मैंने चलाई है और इसमें से सबसे ज्यादा टॉप स्पीड प्रेस प्रो देता है, मैंने खुद 73 kmph से चलाया है। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं भाई ओडोमीटर में झोल है, इसके स्पीडोमीटर में झोल है, एक्चुअल स्पीड तो 73 ही होता ही नहीं, वो गूगल मैप पे कम स्पीड होता है, ये मैनिपुलेशन किया है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कंपनी कितना टॉप स्पीड बोल रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा टॉप स्पीड मुझे प्रेस प्रो का लग रहा है, क्योंकि ये जो 1000 वैट इनकी नॉमिनल पावर है ना, पिक पावर सबसे ज्यादा प्रेस प्रो की है, 2500 वैट पिक पावर है गाइस। तो ज्यादा टॉर्क मिलता है, ज्यादा टॉर्क मिला तो ज्यादा स्पीड मिल जाता है। तो टॉप स्पीड में लीडर है प्रेस प्रो। अभी ड्यूरेबिलिटी भाई, मुझे अभी तक याद है जब मेरे पिताजी ने मेरी बजाज खरीदी थी, उन्होंने सेकंड हैंड बजाज गाड़ी खरीदी थी, अभी तक वो चल रही है। बट अभी जमाना बदल गया है, अभी 5-6 साल के बाद नया व्हीकल लेते लोग, इवन कार भी। पुराने लोग मारुति 800 एक बार ली तो 15-20 साल चलाते थे, अभी ऐसा नहीं है गाइस। तो अभी भी आप अगर सोच रहे हो ना ड्यूरेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है खुद कि 5-6 साल बाद टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। अभी लिथियम आयन बैटरी है, 4-5 साल बाद दूसरी बैटरी आ जाएगी, दूसरे एडवांस फीचर आ जाएंगे, क्योंकि टाइम फास्ट जा रहा है, टेक्नोलॉजी फास्ट डेवलप हो रही है। तो ड्यूरेबिलिटी के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना तो दिमाग में 4-5 साल रखो गाइस। बट फिर भी अगर हमें कंपेयर करना है, मैंने आउट ऑफ 5 यहां पे मार्क्स दिया है। हीरो ऑप्टिमा HX बहुत ही बुरा प्लास्टिक, बहुत ही फालतू प्लास्टिक है, 2 मार्क्स दिया आउट ऑफ 5 मैंने। ओके एम्पियर मैग्नस EX अच्छा खासा प्लास्टिक है, अबव एवरेज गुड, यू कैन से गुड बेटर के बीच में उसका प्लास्टिक है, 3.75 दिया। ePluto 7G 3.5 दिया। गाइस सॉरी टू से बट मैंने खुद से ये चलाया नहीं गाड़ी, तो पूरा उसके बारे में 100% बात नहीं कर सकता। तो अच्छा गाड़ी है, कंसिडरिंग देयर फीडबैक्स, देयर रिव्यूज विच आई हैव सीन, अच्छा गाड़ी है। और जब मैं प्रेस प्रो की बात करता हूँ गाइस, 4.75 लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ओकिनावा मैंने जब चलाया गाइस, इतना हेवी ड्यूटी और इतना अच्छा प्लास्टिक वाला स्कूटर मैंने कभी नहीं देखा था। तो मोस्ट ड्यूरेबल स्कूटर आई थिंक इज ओकिनावा प्रेस प्रो।
नीचे, 1 लाख के नीचे बात कर रहा हूं मैं, चेतक, टीवीएस, आईक्यूब, ओला, एथर की बात नहीं कर रहा, ओके, 1 लाख के नीचे की बात कर रहा हूं। तो उसमें मुझे प्रेस प्रो बहुत अच्छा लगा। फिर कॉस्ट की बात करते हैं, सब पैसे पे आके रुकता है, हमने कंपैरिजन ही 1 लाख के नीचे इलेक्ट्रिक स्कूटर का कर रहे हैं, तो प्राइस डिस्कस कर रहे हैं। ये सब एक्स शोरूम ठाणे महाराष्ट्र, एक्स शोरूम प्राइजेस है, एक्स शोरूम प्राइजेस, ऑन रोड प्राइजेस, वेरी स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, ये चेंज होते रहते हैं। सो मैंने यहां पे एक शोरूम प्राइस लिखा है ठाणे का। तो ऑप्टिम आईएचएक्स का आपको करीबन 65,640 में मिल जाएगा, ड्यूअल बैटरी व्हीकल। एम्पियर मैग्नस ये करीबन 69,000 में मिल जाएगा। ई प्लूटो 7G करीबन 84,000 में मिल जाएगा और प्रेज प्रो करीबन 76,000 में मिल जाएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा कॉस्ट है ई प्लूटो 7G की। अब ये जो कॉस्ट होती है गाइस, मोटर बैटरी ये तो चीजें है, उसकी बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका लुक। तो लुक में ई प्लूटो 7G बहुत ही फाड़ू है। लुक में ई प्लूटो 7G पहले आता है, फिर प्रेस प्रो आता है, फिर एम्पियर मैग्नस EX और फिर ऑप्टिमा HX। लुक्स में 1 नंबर ई प्लूटो 7G, 2 नंबर प्रेस प्रो, 3 नंबर मैग्नस EX और 4 नंबर ऑप्टिमा HX। ओके, तो लुक्स ज्यादा है, फीचर्स ज्यादा है, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कॉस्ट जो है ई प्लूटो 7G की बहुत ज्यादा है। तो कॉस्ट में सबसे कम हमें यहां पे ऑप्टिमा HX दिख रही है, बट ड्यूरेबिलिटी नहीं है। कस्टमर सर्विस आफ्टर सेल्स, सेल्स के बाद की जो सर्विस है, हीरो ने बहुत मार खाया गाइस। ये आपको बता दूं, हीरो इलेक्ट्रिक इज नॉट हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है एथर एनर्जी में, इसलिए एथर इतना तगड़ा ब्रांड है गाइस। तो एथर में इन्वेस्टमेंट की हीरो मोटोकॉप ने, ये हीरो इलेक्ट्रिक मतलब हीरो वाला नहीं है, उसका चचेरा भाई है, उसमें लीगल प्रॉब्लम्स चालू है। ओके, तो इसमें गाइस प्राइस कम है बट ड्यूरेबिलिटी बहुत पूर है। तो यहां में सर्विस की भी बात की है, 2 मार्क्स दिए आउट ऑफ 5 सिर्फ हीरो को, 4 मार्क्स दिए एम्पियर मैग्नस EX। ये मेरे एक्सपीरियंसेस है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है, सिर्फ ई प्लूटो 7G का मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि यहां पे शोरूम ही नहीं है। ओके, तो ई प्लूटो 7G को 3.5 दिए मैंने कंसिडरिंग देयर रिव्यूज, एंड प्रेस प्रो को मैंने 4 पॉइंट्स दिए। तो ये सब गाइज, चारों व्हीकल्स आप खुद चला के देखो, खुद चलाओ, खुद एक्सपीरियंस करो। हर एक की अलग अलग चॉइस होती है, किन किन को दिखने के लिए अच्छा चाहिए, किन किन को ड्यूरेबिलिटी अच्छा चाहिए, किन किन को टॉप स्पीड अच्छा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो कंपैरिजन दिया है, इसके आपको अच्छे इनपुट मिले होंगे। अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना होता, तो मैं कंसिडर करता ओकिनावा प्रेस प्रो, क्योंकि मुझे ड्यूरेबिलिटी चाहिए। मैं फोर्ड यूज करता हूँ गाइस, मैं बजाज का भी एवेंजर यूज करता हूं, क्योंकि मुझे एक ही बार गाड़ी लेना है, अच्छा गाड़ी लेना है। ओके, तो आपकी चॉइस अलग हो सकती है, आप चूज करो। ये कौन सा भी प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, इस वीडियो के लिए मैंने पैसा नहीं लिया है, तो मैं ये जेन्युइन आपको बोल रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जय हिंद।